गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी मित्रों को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, मूंगा के साथ क्या पहने और मूंगा के साथ क्या भूल से भी ना पहने, इस बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि मूंगा के साथ क्या पहने। तो मंगल ग्रह का रत्न मूंगा, मूंगा के साथ सूर्य ग्रह का रत्न माणिक पहनते हैं। तो कहते हैं ना, सूर्य राजा और मंगल सेनापति। तो निश्चित रूप से ताकत क्या हुई, डबल हो गई, बढ़ गई, एक और एक 11 हो गए। तो ये दोनों रत्न माणिक और मूंगा धारण करते हैं साथ में, तो कहते हैं ना, अगर हम किसी कार्य में हैं तो हमारी ताकत बढ़ जाती है, यानी बहुत शुभ होता है। मूंगा के साथ गुरु ग्रह का रत्न पुखराज, पुखराज को अगर भी धारण करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको शुभ फल देता ही देता है। बात करें बुध ग्रह का रत्न पन्ना, पन्ना के साथ मूंगा एक विशेष परिस्थिति में धारण किया जा सकता है। तो इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि किसी योग जो सचार की सलाह पर ही धारण करना चाहिए। और वो कौन से रत्न है जो हम भूल से भी ना पहने, हम आपको ये जानकारी दें। उसके पहले आपसे प्रार्थना करेंगे, इस वीडियो को तुरंत तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए। कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। किसी भी रत्न की कोई भी जानकारी चाहिए आपको कि आपको कौन सा रत्न धारण करना है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। जो भी रत्न आपके लिए उचित होगा वो हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा। इसके लिए आप नीचे लिखे हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और रत्नों की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। मंगल ग्रह का रत्न मूंगा, मूंगे के साथ चंद्र ग्रह का रत्न मोती, मोती को भूल से भी धारण नहीं करना चाहिए। और जिनको वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है या शादी हो चुकी है और दिक्कत हो रही है, तो ऐसे लोगों को तो भूल से भी मंगल और चंद्र क्या करेंगे, सिवाय खराब करने के कुछ भी नहीं करेंगे, तो भूल से भी धारण नहीं करें। राहु ग्रह का रत्न गोमेद, गोमेद को मंगल ग्रह के रत्न मूंगा के साथ धारण करेंगे तो क्या होगा, दो शत्रु हैं, दो शत्रु मिलेंगे, आपस में लड़ेंगे, नुकसान किसका होगा, आपका, क्योंकि वो आपके हाथ में है, इसलिए धारण नहीं करना है। शुक्र ग्रह का रत्न ओपल या हीरा, ओपल या हीरा इसका कोई भी लेना देना मंगल ग्रह के रत्न मूंगा से नहीं है, यानी मंगल शुक्र का कोई भी आपस में लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पर ये दोनों रत्न पहने जा सकते हैं, और हम कहते हैं कि मूंगा के संग जब ओपल धारण किया जा सकता है तो मूंगा हमेशा तिकोना होना चाहिए और सफ़ेद होना चाहिए, सफ़ेद मूंगा होना चाहिए। केतु ग्रह का रत्न लहसुन या कैट्साई, कैट्साई को भी भूल से भी धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा बिना कार्य के वाद विवाद उत्पन्न होते हैं। शनि ग्रह का रत्न नीलम, नीलम को भी भूल से भी कभी भी गलती से भी मूंगे के साथ धारण नहीं करना चाहिए, आपको ये लड़ाई झगड़े करवा देगा, कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा करवा देगा, कोई पुलिस केस करा देगा, और कहते ना इससे भी ऊपर कि गुस्से में कुछ अनैतिक कार्य करवा देगा। तो कभी भी नीलम और मूंगे को साथ में धारण नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरी सलाह है कि इन दोनों को धारण ना करें। हमारे अगले वीडियो के लिए फिर आप हमारे संग बने रहिए, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।